प्रधानमंत्री मोदी वो अपने राजनीतिक विरोधियों को जो है क्रश करने के लिए लगातार एजेंसियों का सहारा ले रहे हैं। ये तो सारा देश जानता है कि चाहे वो सीबीआई हुई, चाहे वो ईडी हुई, चाहे वो इनकम टैक्स की एजेंसियां हुई, ये सब अब भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ बन गए हैं। ये सब आरएसएस के सहयोगी संगठन के तौर पे काम कर रहे हैं। ये कोई ऐसी एजेंसियां नहीं रही क्योंकि सही मायने में अपने विवेक से काम कर रही हो। ये अपने आका के इशारे पे पूरे देश में नाच रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी सीमाएं लांघने की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब जो है हिमाचल प्रदेश में दिया जाएगा। जो भी केंद्र की सरकार कर रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और इन एजेंसियों तक भी ये इनके कान तक ये खबर पहुंच जाए कि हिंदुस्तान के लोग जो है अब खामोश नहीं रहने वाले। केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस दिग्गज और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को तलब किए जाने पर कांग्रेस में विरोध के स्वर तेज हो चले हैं। इसी सिलसिले में हिमाचल प्रदेश के ऊना में भी कांग्रेस नेताओं के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा है मुकेश अग्निहोत्री ने, सुनिए इस वीडियो में। एक तो हिंदुस्तान की सरकार जो विशेष तौर पे प्रधानमंत्री मोदी वो अपने राजनीतिक विरोधियों को जो है क्रश करने के लिए लगातार एजेंसियों का सहारा ले रहे हैं और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हमारे शीर्ष नेता हैं और राहुल गांधी जी ने हाल ही में उदयपुर के कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन में भी बिल्कुल स्पष्ट किया कि हमारा दामन बिल्कुल साफ है और हमने एक भी पाई जो है सरकार की उसका कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद भी ये दिल्ली की सरकार, केंद्र में बैठी सरकार जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का दुरुपयोग करके हमारे नेताओं को समन भेज रहा है, हमारे नेताओं को बुला रहा है। और ये तो सारा देश जानता है कि चाहे वो सीबीआई हुई, चाहे वो ईडी हुई, चाहे वो इनकम टैक्स की एजेंसियां हुई, ये सब अब भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ बन गए हैं। ये सब आरएसएस के सहयोगी संगठन के तौर पे काम कर रहे हैं। ये कोई ऐसी एजेंसियां नहीं रही जो कि सही मायने में अपने विवेक से काम कर रही हो। ये अपने आका के इशारे पे पूरे देश में नाच रही हैं और लगातार एक ही इनका मकसद है, जो भी भाजपा के विरोध में सरकारें चल रही हैं या जो है उनके नेताओं को या बड़े नेताओं को और ख़ास तौर पे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और जो राहुल गांधी जी को जो है आज जो बुलाया गया उसकी हम निंदा करते हैं। उसका पूरे प्रदेश में विरोध होगा, व्यापक विरोध होगा और नेशनल हेराल्ड अखबार जो है वो एक देशभक्त अखबार है और हमें फख्र है कि हमारे नेताओं ने उसको शुरू किया, उसका संचालन हमारे नेताओं ने किया और उसने आज़ादी की लड़ाई में अहम रोल प्ले किया और
उसको चलाने के लिए बहुत संघर्ष रहता है। हमारे नेता जो है, हमारी पार्टी जो है, उसको हर हालत में जो है चलायमान रखने के लिए दृढ़ संकल्प है। तो इसलिए जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस संगठन ने, जिस अखबार की बदौलत, जिसके बदौलत हमारे नेताओं ने आज़ादी का संघर्ष किया, उस पर भी अब उंगली उठाने से नहीं बाज आ रहे हैं। तो उस सिलसिले में हमने आज एक मीटिंग की कांग्रेस पार्टी की, यहाँ पे सब लोग शामिल थे। हमने निंदा प्रस्ताव पारित किया, जो कि हम दलील ये दी गई है कि हम अपने नेताओं के साथ पूरी ताकत से चट्टान की तरह खड़े हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी सीमाएं लांघने की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब जो है हिमाचल प्रदेश में दिया जाएगा। और आज भी हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, हम जो है डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर, क्योंकि यहाँ ईडी का कार्यालय नहीं है, तो हम डीसी ऑफिस के बाहर जो है प्रोटेस्ट करेंगे, और जिससे कि ये संकेत जाए कि जो भी केंद्र की सरकार कर रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, और इन एजेंसियों तक भी ये, इनके कान तक ये खबर पहुंच जाए कि हिंदुस्तान के लोग जो है अब खामोश नहीं रहने वाले हैं, और 8 साल सरकार के हो गए, केंद्र की सरकार के, अब सत्ता खिसकने का समय है। राज्य में सरकारें इनकी जानी है, हिमाचल में तो खास तौर पे जानी है। ये जो महंगाई है, घोर महंगाई है और घोर बेरोज़गारी है, उससे लोगों का जो है ध्यान भटकाने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, बेरोज़गारी जो है, जो ये 2 करोड़ बेरोज़गार नौकरी देने की बात करते थे हर साल, वो दी नहीं गई। राज्यों में जयराम सरकार एक फ्लॉप सरकार है, पूरी तरह विफल सरकार है, और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भ्रष्टाचार की बात करते शोभा नहीं देता। जो उन्होंने आज कहा है कि ये भ्रष्टाचार का मामला है, इसको राजनीतिक लबादा ओढ़ने की कोशिश की जा रही है, तो उनसे हम ये कहना चाहते हैं, जिनके राज में पेपरों की नीलामी हुई हो, पुलिस के पेपरों की नीलामी हुई हो, क्लर्कों के पेपरों की लीक हुए हों, यूनिवर्सिटियों के पेपर लीक हुए हों, 6-6 लाख 8-8 लाख में बिके हों, उनको कम से कम शोभा नहीं देता। जिनका साम्राज्य ही लूट का साम्राज्य है, जिनका साम्राज्य ही जो है लगातार जो है दमन का साम्राज्य है, और जिनके समय में भारी भरकम महंगाई जो है चल रही हो, जिनके समय में 2200 करोड़ रुपए का पाइप घोटाला प्रदेश में हो गया, जिनके समय में ठेके नीलाम ना होने से 3000 करोड़ रुपए का स्टेट एक्सचेकर को चूना लग गया हो, जिनके समय में माफिया हर तरफ दनदना रहा हो, लोगों ने जेबें भरी हैं, रेत माफिया, बजरी माफिया, वन माफिया, भू माफिया, कुवाड़ माफिया, बारूद माफिया, शराब माफिया, सब जो हैं जिनके पहचान बन गए हों, जो माफिया के जो है प्रतीक चिन्ह बन गए हों, उनको भ्रष्टाचार की बात करते जो है शोभा नहीं देता। इसलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी उस परिवार से आते हैं, राजीव जी के निधन के बाद ना तो सोनिया जी प्रधानमंत्री बनी, ना राहुल जी ने कोई किसी पद पे गए, ना ही प्रियंका गांधी जी किसी पद पे विराजमान हुए किसी भी सरकारी अहदे पे। ऐसा परिवार जिन्होंने अहदों की राजनीति नहीं की बल्कि देश की चिंता की,
और देश के लिए जिस परिवार ने दो दो कुर्बानियाँ दी हों, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी देश के लिए जो है सब कुछ निछावर कर दिया, राजीव गांधी जी ने सब कुछ निछावर कर दिया, अपने जीवन की आहुति दे दी, और उस परिवार को कभी आप परिवारवाद से जोड़ते हैं, कभी उस परिवार को आप जो है भ्रष्टाचार से जोड़ते हैं, लेकिन इनकी ये चाल चलने नहीं वाली है। इसलिए आज हमने यहाँ मीटिंग की जिसमें कि हम हमारे जिला प्रभारी महेश्वर चौहान जी, हमारे ऊना के विधायक श्री सतपाल रजादा जी, हमारे चिंतपूर्णी के पूर्व में विधायक और पूर्व मंत्री कुलदीप कुमार जी, हमारे गगरेट के पूर्व विधायक राकेश कालिया जी, हमारे कुटलहट से पिछला चुनाव लड़ चुके विवेक जी, और हमारे जिला अध्यक्ष जो है रंजीत सिंह राणा जी सहित सैकड़ों वर्कर्स यहाँ मौजूद थे। उसमें हमने ये फैसला किया कि राहुल जी की तरफ जो भी आंख उठाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ जम के संघर्ष किया जाएगा और उसका विरोध किया जाएगा, हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। ऊना से न्यूज़ सुपर भारत के लिए राजन चब्बा की रिपोर्ट। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।